खबर यूपी के मेरठ से है, जहां मेडिकल कॉलेज में दो ट्रूनेट मशीनें स्थापित की गई हैं। ये मशीनें कोरोना की जांच करके महज एक घंटे में रिपोर्ट दे देती हैं, जिसको लेकर मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कोविड-19 वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में लगी कोरोना जांच मशीन ट्रूनेट को भी देखा। साथ ही डीएम ने महिला मरीजों से फोन पर बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएम ने कहा कि मरीजों को बीमारी के लक्षण आते ही तुरंत उपचार के लिए आना चाहिए। बता दें कि मेरठ में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 60 के करीब लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु दर बढ़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई और एक स्पेशल टीम को मेरठ भेजा है, जिसके बाद जिले के अधिकारी गंभीर होकर काम करने में जुट गए हैं। मेडिकल कॉलेज के वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से अब अधिकारी सभी जगह नजर बनाए हुए हैं। देखिए, जनपद मेरठ में इस समय हम जो है LLRM मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड के बाहर खड़े हैं, और इस समय जो है आज हमारे यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो ट्रूनेट मशीन भेजा था, जिससे एक्सीडेंटल केस और प्रेगनेंसी केसेज में जल्दी से डिटेक्शन हो पाए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद कार्रवाई हो। उसी हिसाब से आज दो मशीनें यहाँ इंस्टॉल हो गई हैं, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी अभी हमने देखा है। और इसके अलावा जो हमारे ICU पेशेंट्स हैं, उनमें भी हम लोगों ने वार्ड में कैमरे लगवा दिए थे। सभी लोगों से हम लोग रेगुलर जो है नियमित रूप से इसमें वार्ता भी कर रहे हैं कि कहीं कोई खाने को लेके हो, डॉक्टर्स के विजिट को लेके हो, या चादर बदलने के हो, साफ सफाई के संबंध में अगर कोई भी कठिनाई होती है तो वो लोग हमसे बात कर लेते हैं। हमारे नंबर भी इनके पास हैं और हमारे अधिकारी भी जो है रेगुलर इसमें लगे हुए हैं। अभी तक कोई ऐसी, आज हम लोगों ने लगभग 5 पेशेंट से खुद बात किया है, अभी तक कोई ऐसी समस्या उनके द्वारा नहीं बताई गई है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।